इस चित्र में विचित्र सी दिखने वाली डिश का नाम है क्रोसान, और आज मैं इसकी अपने पेट में तह बनाने वाली हूँ। पर ये इतना महंगा आता है कि इसके लिए मुझे पूरा बैग भर के पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन मुसीबत इस बात की है कि इसका नाम बोलते ही मेरी जीभ लपलपा जाती है, तो सबसे पहले तो मुझे इसका नाम बोलते कैसे है वो सीखना पड़ेगा। इसके बाद बस मुझे एक अमीर दिखने वाला कैफे ढूंढना था जहाँ पर ये विचित्र दिखने वाली डिश मेरी प्लेट में प्रस्तुत की जाएगी। तो मैं परियों की रानी की तरह अपने पंख फैलाकर कनॉट प्लेस में भ्रमण करने लगती हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी ये विचित्र व्यंजन नहीं मिल रहा था। तो मैंने आओ देखा ना ताओ और अपने जासूसों से पूछताछ करने लगी, लेकिन मेरे जासूसों को इस बात की ना को ना खबर नहीं थी कि क्रोसांट कहाँ मिलेगा। वो तो बस ये पूछ रहे थे कि इस साल के एंड तक 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे क्या। अभी मैं अपने नाक की सुगंध शक्ति का इस्तेमाल करके इस कैफे के अंदर पहुँच जाती हूँ जहाँ मुझे मिलता है ये पिद्दू सा क्रोसांट। लेकिन एक मिनट, ये तो वही वाली बात हो गई कि हाथ को आया और मुंह को ना लगा। तो मैं घूमते घुमाते आखिरकार कॉफी के बेताज बादशाह के छठे बेटे स्टारबक्स में पहुँच जाती हूँ जहाँ मुझे क्रोसांट तो मिल जाता है पर मेरी जेब सरेआम काट ली जाती है। इसके बाद भी ये व्यंजन 10 रुपए वाले ब्रेड बटर जैसा लगता है। बस ये पढ़ने के लिए यूरोप चला गया था।